गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा दुबला पतला है तो उनका वेट इंक्रीज़ करने के लिए हमें उन्हें क्या क्या खिलाना चाहिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ 2 से 4 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है, उनका जो मील होता है, वो उन्हें लाइफ टाइम तक इम्पैक्ट करता है। इसलिए इस टाइम पर आपको अपने बच्चे की ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि आगे चल कर के आपके बच्चे को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ज़्यादा फेस ना करनी पड़े और उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहे। तो चलिए अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फूड हैं जो कि बेबी के वेट गेन में हेल्प करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है बटर। आप अपने बच्चे को बटर खिला सकती हैं, लेकिन आपको बटर जो है मॉडरेट अमाउंट में देना है। आपको बटर जो है बहुत ज़्यादा नहीं खिलाना है, नहीं तो इससे बच्चे का पेट भी ख़राब हो सकता है और ज़्यादा बटर जो है बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। देखिए, बटर जो है एक रिचेस्ट सोर्स है फैट्स का और इसमें एक अच्छे अमाउंट में फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि बच्चे का पॉजिटिव तरीके से वेट को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। इसलिए अगर आपका बच्चा दुबला पतला है तो आप अपने बच्चे को डेली बटर ज़रूर खिलाइए। अब दूसरा पॉइंट आता है देशी घी। देखिए, बटर के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन बच्चों के लिए देशी घी, गाय का शुद्ध देशी घी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि एक तो बच्चे घी को इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं और ये कंज्यूम करने में भी इजी होता है। इसलिए आप अपने बच्चे को डेली देशी घी ज़रूर खिलाइए। आप किसी भी फॉर्म में बच्चे को घी दे सकती हैं, रोटी में लगा करके, घी का पराठा बना करके, चावल में डाल करके, या फिर दाल में डाल करके, लेकिन घी जो है बच्चे को डेली खिलाइए, क्योंकि घी जो है फैट्स का अच्छा सोर्स है। तो अगर आप अपने बच्चे को डेली घी खिलाती हैं तो आपके बच्चे के वेट में एक कॉन्स्टेंट इंक्रीज आ सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मिल्क। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों के लिए मिल्क जो है बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है और कैल्शियम होता है, जो कि बच्चे की हड्डियों को मजबूत करता है और बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। तो अगर आपका बच्चा मिल्क पसंद नहीं करता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चे को मिल्क कैसे पिला रही हैं, या फिर आप मिल्क में बच्चे को कुछ मिला करके दीजिए, जैसे कि शुगर हो गया या फिर बूस्ट आता है बच्चों के लिए, जिससे कि मिल्क का जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए और बच्चे जो हैं उसे आसानी से पी पाएँ। देखिए, मिल्क को एक कम्प्लीट फूड माना जाता है, कभी भी मिल्क को साइड फूड या साइड ड्रिंक कंसिडर मत करिए। हमेशा मिल्क को एक प्रॉपर मील की तरह कंसिडर करिए और बच्चे को खाने के साथ मत दीजिए, हमेशा अलग से मिल्क दीजिए। सोने से पहले या खेलने जाने से पहले या ब्रेकफास्ट के टाइम पर आप बच्चे को मिल्क दे सकती हैं। अब देखिए, यहीं पर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा मिल्क पसंद नहीं करता है तो आप उसी एक ग्लास दूध का बच्चे को पनीर बना करके दीजिए, क्योंकि पनीर भी बच्चे के हेल्थ के लिए अच्छा होता है और वेट गेन में ये हेल्प करता है। देखिए, वैसे तो आपको अपने बच्चे को डेली 2 ग्लास मिल्क देना ही देना है। अगर आपका बच्चा मिल्क नहीं पी पा रहा है या उसको पसंद नहीं है तो आप उसी मिल्क का बच्चे को पनीर बना करके दे सकती हैं। पनीर को आप किसी भी फॉर्म में खिला सकती हैं, पराठा बना करके या पनीर की सब्जी बना करके, जैसा भी बच्चा पसंद करे आप उस तरीके से बच्चे को पनीर खिला सकती हैं। लेकिन इसमें भी एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक बार में बहुत ज़्यादा पनीर बच्चे को नहीं खिलाना है, क्योंकि पनीर जो है हैवी होता है। हमेशा थोड़े थोड़े अमाउंट में बच्चे को खिलाइए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बनाना। देखिए, बनाना जो है वेट गेन करने के लिए एक अच्छा फ्रूट माना जाता है और बनाना में पोटेशियम होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए आप अपने बच्चे को डेली बनाना खिलाना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं विहान को डेली एक बनाना खिलाती हूँ। जब विहान 6 मंथ का कंप्लीट हो गया था तब मैंने विहान को बनाना खिलाना शुरू किया था। अब वो 2 साल का कंप्लीट होने वाला है और मैं उसको अभी तक डेली एक बनाना ज़रूर खिलाती हूँ और विहान को बनाना जो है बहुत पसंद भी है। और देखिए, एक बनाना में 105 कैलोरीज पाई जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के वेट में इंक्रीज आए तो आप अपने बच्चे को डेली एक बनाना खिलाना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पोटैटो। देखिए, पोटैटो यानी कि जो रूट वेजिटेबल्स होते हैं वो भी वेट गेन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि पोटैटो में विटामिन पाया जाता है और भी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि वेट को इंक्रीज़ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं।
इसलिए आप अपने बच्चे को डेली फूड में पोटैटो जरूर खिलाइए। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सब्जी में आलू को बीन बीन कर खाते हैं, चुन चुन कर अलग से निकाल करके खाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, देन यू आर वेरी लकी। तो आप अपने बच्चे को खाने दीजिए, और अगर आपका बच्चा डेली पोटैटो खाता है तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपके बच्चे के वेट में एक कॉन्स्टेंट इंक्रीज आ सकता है। अब लास्ट पॉइंट है ट्रॉपिकल फ्रूट्स। ट्रॉपिकल फ्रूट्स यानी कि जो गर्म इलाकों में पाए जाते हैं, ऐसे फ्रूट जो कि समर सीज़न में आते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, पपाया हो गया, लीची हो गया। देखिए ऐसे फ्रूट्स में एक फ्रक्टोज नाम का शुगर पाया जाता है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, और ये बच्चों के वेट गेन करने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए आप ऐसे फ्रूट्स को बच्चों को खिलाना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसे फ्रूट्स को डेली अपने बच्चों को खिलाती हैं तो इससे आपके बच्चे के वेट गेन में भी हेल्प होगी। आप फ्रूट्स को मिड मॉर्निंग स्नैक्स में दे सकती हैं, और अगर आपका बच्चा डेली इन फ्रूट्स को खाएगा तो बच्चे के वेट गेन में भी हेल्प होगा। तो फ्रेंड्स ये है आज का वीडियो। अगर आप इन फूड को बच्चे की डाइट में शामिल करेंगी तो डेफिनेटली आपके बच्चे के वेट में इंक्रीज आएगा। अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा जिससे कि दूसरे पेरेंट्स की भी हेल्प हो पाए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा कि मैं कभी भी कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और आप मेरी सारी वीडियो से अपडेट रहें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।